नंबरों की अलग अलग जिलों की और अलग अलग स्टेट्स की नंबर प्लेट की हैं। इसके अलावा और भी संदिग्ध सामान मिला जो हमने जब्त किया है और वो इस मुकदमे में कार्रवाई में काम आएगा। तो कितने राउंड फायरिंग उसने की होगी मोटा मोटा अगर हम देखें, क्योंकि जिस तरह से आपके पर्सनल्स गोलियां चुन रहे हैं बीन रहे हैं कहिएगा, तो कितने राउंड फायर किए? एक्चुअली वो चारों तरफ फायरिंग कर रहा था घर के, और हमारी टीम चारों तरफ से घेरा डाल के बैठी थी। तो अभी जब तक सारे सामने ना आ जाए, सारे खोल ना मिल जाए, तब तक पता करना बहुत मुश्किल है। तो फिर भी काफी फायरिंग उसके द्वारा। इसी मीडिया की तरफ से आपको बधाई आपकी पूरी टीम को जो कि इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो निश्चित तौर पर एक जानकारी निकल कर आई सत्यनारायण, सबसे बड़ी जानकारी जो कहिएगा कि जो बताया उन्होंने कि किस तरह से नेम प्लेट्स बदलता था, अलग अलग जिलों की नेम प्लेट वो रखता था। बिल्कुल लक्ष्मण, जो तस्वीरें हम निकल कर आ रही हैं वो तस्वीरें एक्सक्लूसिव श्वेता जी का बिल्कुल एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर से जरूर दर्शकों को रूबरू कराएं कि आनंदपाल के दो भाई यहाँ पर गिरफ्त में, एक आनंदपाल बस गैंग में बचा हुआ था। इससे पहले करीब 100 गुर्गे पकड़ में आ चुके थे, इस आनंदपाल को पकड़ने के चक्कर में 100 गुर्गे भी आ चुके थे गिरफ्त में। गैंगवार का एक दौर खत्म हो गया है आनंदपाल के साथ, कहा जा सकता है आनंदपाल के खात्मे के साथ ही पूरी गैंग अब खत्म हो गई है, क्योंकि आनंदपाल लगातार फरार था, आनंदपाल के दो भाई गिरफ्त में आए, खुद आनंदपाल बस गैंग में बचा हुआ था और कोशिश यही थी इसे गिरफ्त में लेने की, इसे पकड़ने की, क्योंकि बड़ा सरदर्द ये था और जब तक आनंदपाल गिरफ्त में नहीं आता तब तक इस गैंग को खत्म करना मुश्किल था। और प्रदेश से कह सकते हैं गैंगवाद खत्म हो गया आनंदपाल के खात्मे के साथ। गृह मंत्री कटारिया, एडीजी, एटीएस, एसओजी उमेश मिश्रा और आईजी एस